पांच मार्च आ गई। यस, जुलाई में जब पहला स्पीच मेरा आपके लिए था उससे मैंने आपके सामने एक प्लान रखा था 200-250 दिनों का, और इस पांच मार्च का हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आधी रात हो गई पांच और पांच तारीख भी हो गई, ठीक 8 घंटे के बाद 8:30 घंटे के बाद आपका पहला कटर होगा। आज मैं आपको ये नहीं पता हुआ कि तुम्हें क्या करना है, मुझे लगता है कि बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जितना पढ़ा है हमने, जिस लेवल पे जाके पढ़ा है और चीज को जितनी बारीकी से हमने किया है, अब चीजें निर्भर करती है आप लोगों के ऊपर। देखिए आपने 3 घंटे 180 मिनट, मैं ये नहीं कहता हूं कि 180 मिनट से आपकी तकदीर बन जाएगी या बिगड़ जाएगी, पर मेरा ये मानना है कि 180 मिनट अपना बेस्ट जितना दे सको दे दो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कहीं से कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। सवाल ये नहीं कि मेरा मकसद ये कि आप 70 नंबर ला के रुक जाओ, 80 नंबर ला के रुक जाओ, सवाल वो नहीं, क्योंकि पास होने के लिए तो बहुत कम नंबर चाहिए, मैं उन नंबरों की बात नहीं कर रहा हूं। 180 मिनट आपको मिलने वाले 3 घंटे, और 3 घंटे में आप चाहे तो शिखर छू सकते हो। देखिए इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है, पहली बात ही बता दूं कि आप जब स्टार्ट से जब स्टार्ट करोगे, पहली बात है कि आपको कितना आता है यह मायने नहीं लगता है, जो आपको आ रहा है उसे किस टाइप से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आज के टाइम में सबसे ज्यादा कल ही माइनर 8 घंटे के बाद सबसे ज्यादा यही चीज माइनर रखेगी। प्रश्नों का क्रम तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछला प्रश्न आगे करोगे अगला पीछे करोगे तो उसके बीच में 1-1.5 घंटे का गैप होगा, 1-1.5 घंटे में कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। जहां से जैसे आया है वहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए। कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, कंपोजिशन सेक्शन जो भी जितना भी है। देखिये मेरा ये मानना है कि 12 में ग्रामर है नहीं, सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हैं। स्टार्ट में जो अनसीन पैसेज होगा वो भी समझकर, जिसके क्वेश्चन आंसर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं, उसके बाद आपका जो राइटिंग सेक्शन है जिसमें नोटिस है, इनविटेशन है, इसके अलावा उसमें एडवर्टीजमेंट है, पोस्टर है, दुनिया भर के ही है, उनको भी आपको समझ के करना है। देखिए हर जगह ऑप्शन है, मेरा ये मानना है कि जो क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन जितने भी आ रहे ऑप्शन में आ रहे हैं, और पिछले 10 सालों का जो पैटर्न यदि आप देखो तो ऑप्शन में एक क्वेश्चन टफ होता है और एक क्वेश्चन इजी होता है। आपको पहली बात है कि आपको ये तय करना है कि दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आपको बेहतर ढंग से कर सकते हो करना है। ध्यान रखना है कि उस सिलेक्शन में समय बर्बाद हो, देख के पता चल जाना चाहिए कि कुछ ही सेकंडों में ये क्वेश्चन मुझे ये करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ होता क्या है कि अंग्रेजी के पेपर में बच्चों के क्वेश्चन छू जाते हैं, 7-7 नंबर के आपके 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। कोशिश ये करना कि 13-14 लाइन में लिखना, यदि कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन यदि आपके आ रहे तो उसका मतलब वो उस कंटेंट से रिलेटेड पूरे पार्ट से क्वेश्चन उठाया होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जितने भी पार्टों के जितने भी करेक्टर है उन करेक्टरों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मैंने आपको ये भी कहा था कि लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन आप पढ़े हुए हो तो फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना मुश्किल नहीं, क्योंकि आपको टेंस और ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है बहुत बेहतर ढंग से आता है। मेरा मानना है कि आप पूरी तरीके से तैयार हो, मुझे पिछले 10 सालों में सबसे कम डर आ रहा है, मेरे मन में भी कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है कि यू विल डू योर बेस्ट। इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखो, आराम से अच्छी नींद लेंगे, जितनी देर आप पढ़ सकते हो पढ़ेंगे। आज मैं आपको रुकूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 2 बजे तक पढ़ो, आपको लगता है कि अभी सो रहा है तो अच्छा सो सकता है, मेरी तरफ से खुली छूट है। रोज मैं खुद 2 बजे आपके साथ जागता हूं तो मुझे लगता है कि आप भी मेरे साथ जागते हो, आज कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी तैयारियां कल ही पूरी हो गई थी, क्योंकि कल मुझे सुबह आपको बताने का कुछ भी मौका नहीं मिलेगा, हम यहां से जाएंगे। क्योंकि किसी भी काम की जब शुरुआत होती है तो थोड़ी टेंशन तो होती है, पहला पेपर है और पहला पेपर इंग्लिश का, पर मेरी दृष्टि में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नंबर आएंगे तो इंग्लिश में। अब उन 3 घंटों में आप कितना कर लेते हो, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, कोई जल्दबाजी करनी नहीं है, जो क्वेश्चन हो जाए तो उस क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से टिक का निशान लगा दोगे, तो आपको पता रहना चाहिए कि कितने हुए कितने बाकी है। बी फाइट विद टाइम,
लेकिन जो पेपर वो होता है, यदि बहुत होशियार बच्चे हैं तो 3 घंटे भी नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि आपको तेज अपनी कलम चलानी है और किसी भी पेपर को 15 मिनट पहले ही आपको निपटा देना है। अपनी सब एंट्री वगैरह देखोगे, ये आप ही किसी के लिए नहीं कर रहे हो, नहीं आप ही इसलिए कर रहे हो कि आपको ही लगना चाहिए कि आपने आपकी तरफ से कोई कमी नहीं दी, और मुझे लगता है कि कमी रही नहीं। दिमाग में यदि कहीं से भी किसी के मन में तनाव है तो उस तनाव को दूर कर लो, उस तनाव को हटा लो। तनाव जैसी कोई भी चीज नहीं है, आराम से करो जितनी देर पढ़ सकते हो, गहरी नींद में सो। जब मुझे उठाना होगा आपको उसमें उठा दूंगा, ना तो क्या आराम से एग्जाम देके आओ। मुझे बताया कि कल जब पेपर देके आप निकलोगे तो आपके चेहरे पर चमक होगी और वो चमक गवाही होगी पिछले 7 या 8 महीनों का, जब जुलाई से लगातार हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। ये आगाज होगा, उसके बाद 5 पेपर और बचे, 4 पेपर और बचेंगे जिसे हम अंजाम तक ले जाएंगे। जो मेहनत आप कर रहे हो, कीप इट कंटिन्यू, विश यू ऑल द बेस्ट। 5 मार्च आ गए, जिस दिन का मैं हमेशा से कहता था, पिछले 4 महीनों से मैं कह रहा हूं 5 मार्च का मुझे इंतजार रहेगा, वो दिन आ गया। लेट्स स्टार्ट।